जिले में ठंड से क्या हालात हैं, वहां पर आज का तापमान क्या है? छपरा की बात करें तो छपरा में 9 डिग्री तापमान दर्ज की गई है और सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही जो जरूरी कामों से बाहर निकल पा रहे हैं, नहीं तो सब लोग घरों में दुबके हुए हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि ठंड में जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, और वृद्धों लोग को भी बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। और साथ ही साथ अलाव की अगर व्यवस्था की कही जाए तो प्रशासन के द्वारा सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पे कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। इससे जो बाहर निकलने वाले लोग हैं उन्हें कहीं भी सड़कों पे राहत नहीं मिलती दिख रही है। ठीक है, बघा से भी हमारे संवाददाता राकेश सोनी जुड़े हुए हैं। राकेश, बघा जिले का तापमान आज क्या कहता है, वहां पे ठंड से क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपके पास? पूजा बता दे कि बघा में कड़ाके की ठंड है और अभी मतलब लगभग 10 बज गई है और पूरे तरह से शहर में कुहासा छाया हुआ है और जो वाहन जो है परिचालन में भी बाधा उत्पन्न हो रहा है। कल दोपहर में कुछ देर के लिए धूप निकला था, लोगों को राहत महसूस हुआ, लेकिन एकाएक रात में ठंड इतना काफी बढ़ गया और कुहासा गिरने लगा ताकि सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति रुक गई है। और जो इलाका है बघा का, जो इलाका है नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश और दियरा का इलाका, जो बगल में गंडक नदी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल है, तो उधर से आने वाली जो बर्फीली हवा है उसके कारण लोगों को काफी ठंड महसूस हो रही है। ठंड के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं, सड़कों पर लोग नहीं निकल रहे हैं, बहुत आवश्यकता बस लोग सड़क पर दिख रहे हैं। जो चौक चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन है, वहां भी लोगों को संख्या काफी कम दिखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शहर में जो प्रशासन के स्तर पर जो व्यवस्था की गई थी अलाव की, उसमें भारी कमी दिख रहा है। प्रशासन तो लगभग शहर में 45 जगह अलाव की जलाने की बात कर रही है, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। बहुत कम मात्रा में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसे लोगों को जो अलाव की जो व्यवस्था करना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिला है। जो यात्री हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या जो भी चौक चौराहे हैं, मुख्य चौक चौराहों पर अलाव की जो व्यवस्था की गई वो पर्याप्त मात्रा में नहीं करने के कारण कुछ देर अलाव जलता है, उसके बाद बुझ जाती है। लोगों को रात में आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रहा है, आने जाने वाले लोगों को। तो बता दें कि कड़ाके का ठंड है और जो बर्फीली हवा है और हवा में कनकनी है, लोग घरों में से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ, जो बच्चे हैं बुढ़े हैं, जो घर घर के लोग उसे बाहर नहीं निकालने, क्योंकि ठंड काफी है और ठंड से लोगों को काफी प्रभावित हो रहे हैं, लोगों का जनजीवन पूरे तरह से प्रभावित हो रहा है। इसलिए ठंड है और यहाँ बर्फीली हवा जो है उसमें कनकनी है, लोगों को हाड़ कपाने वाली है। तो जो प्रशासन, जिला प्रशासन भी है, अलर्ट जारी किया गया है कि अभी 15 तारीख तक ठंड का कहर रहेगा पश्चिम चंपारण जिले में, जिसको देखते हुए दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन जा रहा है कि बहुत जरूरी काम नहीं हो तो लोग घर से बाहर नहीं निकले और बच्चे और बूढ़ों का खास ख्याल करें। और डॉक्टरों का भी एक सलाह है कि जो कड़ाके की ठंड है इसमें डायबिटीज वाले मरीज हो या हार्ट के मरीज जो हैं, उन लोगों को भी चेतावनी दिया गया कि ठंड के कारण कम आवाजाही करें, घरों में रहें, अलाव की व्यवस्था करें और सुरक्षित घरों में रहें, क्योंकि ठंड के मौसम में अधिकतर लोगों को जो बीपी के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के होते हैं और हृदय रोगी होते हैं, उन पर अटैक होने की डर रहती है। इसलिए चिकित्सकों का भी सलाह है कि ठंड को देखते हुए घरों में रहें, घर से बाहर निकलना उचित नहीं रहेगा। तो इस जो कड़ाके की ठंड है उस पूरे तरह से बघा के लोगों पर उनके जनजीवन पर को प्रभावित कर रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन भी पर्याप्त मात्रा में अलाव की जगह जगह व्यवस्था नहीं है। जो राहगीर हैं, जो रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं या बस चालक हैं, जो रोजमर्रा के लिए जो घर से बाहर अपने रोजी रोटी के लिए जो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि उन रोजी रोटी की बात है, अगर कमाएंगे नहीं तो फिर अपने बाल बच्चों को परवरिश नहीं कर पाएंगे, तो उनको काफी कठिनाइयां हो रहा है इस कड़ाके के ठंड में। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन तमाम जगहों पर जो पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो रिक्शे वाले हैं ठुठुर रहे हैं और हाड़ कांपने वाली जो ठंड है, कनकनी है, इसमें जैसे कि अभी हम भी खड़ा है अभी यहाँ, तो हमको भी काफी ठंड लग रहा है, हाथ में कनकनी आ रही है। इसको लेकर देखा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन ने जो वादा तो कर रही है, घोषणाएं हो रहा है, लेकिन उस तरह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इससे लोगों में काफी परेशानी हो रहा है। तो जिला प्रशासन को भी चाहिए कि जो भी चौक चौराहे हैं वहाँ पे अलाव की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करें ताकि लोग इसको राहत महसूस करें दिनचर्या के लिए। जो ठीक है, लौटूंगी आपके पास राकेश।